अब यहाँ से गाड़ी चलाएगा धीरज भाई और थोड़ा रिस्की काम है क्योंकि विश्वास थोड़ा कम है भाई पे, पर चलो देखते क्या बनता है। हम पहुंच चुके हैं खाप संगम और अब यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई लगेगी तो दूसरी में ही गाड़ी जाएगी शायद। गाइज ये देखो पीछे हमारा ट्रक खड़ा हुआ और मैं आगे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है ट्रक की, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे ना सारे मैक्सिमम ट्रक्स ड्राइवर्स जो है उनकी वीडियो देख रखी है मैंने इस पॉइंट की, तो मैं कहा वीडियो बनाता हूँ। फिर भाई थोड़ी देर मैंने चलाई गाड़ी, उसके बाद विक्की भाई चला रहे हैं अब गाड़ी। अब इनसे एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कैसा फील हो रहा है इनको। और गाइस अभी विक्की भाई ट्राला चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, बल्कि इनका ही ट्रक है वैसे ही मेनली, और हम तो ऐसे भाई प्रैक्टिस करने के लिए पहली बार चला रहा हूँ। और इन्होंने पहली बार छू रखा है ट्रक का स्टीयरिंग और बिल्कुल लग नहीं रहा है, एक्सपीरियंस बिल्कुल स्मूथ ही चल रहा है, बिल्कुल आराम से। हाँ बिल्कुल सट दो गुस्सी और हमारे पहुंचे हैं नाको और हमने साइड में गाड़ी लगाई है। अब यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद देखते हैं कितनी की देर में चलेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे शायद अभी हम हेलीपैड भी जाएं, यहाँ पे साथ में ही हेलीपैड ना। यहाँ पर रुक
के हम नाको खाना खा रहे हैं। गाइस थोड़ा तेल कम पड़ गया था गाड़ी के लिए, तो गाड़ी के लिए तेल लेने जा रहे हैं। गाइस वी आर रेडी टू गो नाउ। गाइस अब हम नाको से निकल चुके हैं और हमारे उस्ताद जी यहाँ पर लेटे हुए हैं। गाइस जस्ट अभी हमने मलिंग नाला क्रॉस किया है और ये बहुत खतरनाक नाला है, मतलब पानी कभी भी आ सकता है इसमें। अब तो सही हो गया आगे रोड, पहले तक खतरा बहुत। हाँ पहले बहुत खतरा, ऊपर से स्टोन्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही है अभी भी, है ना। गाइज ये रोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मतलब इंच इंच भर का फर्क है, मतलब इतनी की गलती और फिर आपको पता है क्या होने वाला है। गाइज धीरे धीरे चले हुए हैं काजा के लिए और टाइम हो रहा है आपका 3:00 अभी तक हम नहीं पहुंच पाया, लगता है 6-7 बजे तक ही पहुंच पाएंगे, तो चले हुए आराम आराम से। गाइज अभी हमने चांगो क्रॉस किया है और अभी बहुत ज़्यादा खराब रोड स्टार्ट होने वाला है। भाई अब अभी हम पहुंचे हैं समदू बॉर्डर और यहाँ पर अभी एंट्री वगैरह करने पड़ेगी, कितने बंदे हैं क्या है और मतलब कागज वगैरह दिखाने पड़ते हैं फिर ही एंट्री मिलती है। और ये देखो भाई स्पीति में एंटर हुआ, वाह देखो नीचे और ये हमारे राकेश भाई बोल रहे हैं कि किन्नौर खत्म हो गया है, किन्नौर खत्म हो गया है और स्पीति में एंटर हो गया। हम लोग विक्की भाई गए हैं एंट्री करवाने है। और आते ही होंगे शायद वो भी तेजी था।
और यहाँ से चाइना बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। गाइस अब चलेगा रोड, बिल्कुल डेंजरस रोड, बिल्कुल पॉइंट पॉइंट से गाड़ी निकलेगी। और अब आएगी क्यू मोनेस्ट्री। क्यू मोनेस्ट्री अच्छा, जहाँ पे मम्मी है मोनेस्ट्री है, जहाँ पे मतलब पता नहीं कितनी बहुत पुरानी वो है, मॉन्क टाइप है, उसकी नाखून वगैरह भी बढ़ते रहते हैं और बाल वगैरह बढ़ते रहते हैं। गाड़ी लगी हुई दो और गाड़ी नहीं निकलेगी हमारी, और ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं हल्के हल्के, तो डेंजर पॉइंट पे यार अभी हम फंसे हैं। लास्ट डाइवर्जन पे पहुंच चुके हैं, जहाँ से हमारे को यहाँ से डाइवर्ट करना है। ये मेन रोड है, ऊपर वाला मेन रोड है, ये काजा को चला गया, हम काजान जाएंगे मेन, हम सुमरा विलेज जाएंगे, तो सुमरा विलेज के लिए ये वाला नीचे वाला रास्ता है। सो अभी भाई वगैरह चेक करने गए हैं कि मतलब ये ब्रिज वगैरह है ना, तो पुराना है ब्रिज, तो कि जाएगी यहाँ से 6 चक्की जा सकती है कि नहीं जाती है। We'll be right back.
ओके गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन जहां पे गाड़ी हमारी खाली होगी। गाइस यहां पे मैं सोया हुआ था थोड़ी देर के लिए दिन में, और अभी उठ रखा हूं, 8 बज चुके हैं। और यार अभी तक हमारी गाड़ी का खाली नहीं हुई है, तो अभी पता नहीं भाई खाना कहाँ खाना है, क्योंकि यहाँ पे खाना वगैरह खाने के लिए भी कुछ ढाबे वगैरह नहीं है। यार ढाबा वगैरह जो है वो हुरलिंग है और काजा है, तो इन दो में से एक जगह पे हमारे को भी जाना पड़ेगा शाम के टाइम। लेकिन अभी गाड़ी खाली नहीं हुई है, तो हम लोड गाड़ी लेके भी नहीं जा सकते, तो गाड़ी वगैरह का करना पड़ेगा, इनको ठेकेदार वगैरह को बोलना पड़ेगा किसी को अगर छोड़ सकते हैं हमारे को। गाइस वापसी में मेरे को थोड़ी नींद आ गई थी, तो उसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाया था। तो फिर रात में ऐसा हुआ कि मतलब मंदिर था एक, वहाँ पे हम स्टे कर गए थे। फिर उसके बाद गाड़ी रिजर्व में थी, तो 25 किलोमीटर दूर था पेट्रोल पंप, तो वहाँ पे पहुँचे। अभी पेट्रोल पंप ही है जी मेरे पीछे, इस साइड को मेरे पीछे। मोस्ट डेंजरस रोड्स इन हिमाचल प्रदेश, ये देखो जरा ऊपर से कुछ भी गिर जाए भाई यो तो बंदा खत्म है। और यहाँ पर आर्मी वाले अपनी ड्यूटी निभाते हुए